नमस्कार, मैं हूँ वैभव पंचाल, MSc एग्री फ्रॉम आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आज मैं सोलन गांव में नटू भाई जो है वो बहुत अच्छी खेती इधर कर रहे हैं। जो उनकी नर्सरी है बहुत अच्छी, जो कि कोई केमिकल का जनरली यूज़ नहीं करते और बायो प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जिनको मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आता रहता हूँ और उनको सलाह सूचन भी मिलती रहती है। तो नटू भाई आज है मेरे पास, वो बहुत अच्छी नर्सरी चला रहे हैं, आसपास के गांव की भी बहुत डिमांड है। तो आज हम नटू भाई से कुछ जानेंगे और हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो नटू भाई कैसे यूज़ करते हैं, नटू भाई को कैसा रिजल्ट मिलता है और उनकी बहुत अच्छे बड़े स्केल पे अच्छी नर्सरी इधर है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे नटू भाई के साथ कि किस प्रकार उनकी नर्सरी है, कितने पौधे ये लगा रहे हैं, सीड का सोइंग कैसे होता है, सेलिंग कैसे होता है, फार्मर के वहाँ पे वो कैसे पहुँचता है, कितने दाम में वो बेचते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। गुजरात में आणंद के पास आया हुआ सुदन गांव, छोटा सा गांव है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छी खेती कर रहे हैं, उनके पास अच्छे सारे लेबर भी है जो स्किल्ड लेबर है, उसको उसमें हम यूज़ करेंगे स्किल्ड लेबर, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करते हैं, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो नमस्कार नटू भाई। नमस्कार। नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा कि आप ये काम, नर्सरी का जो काम है वो आप कितने साल से कर रहे हो? वो 10 साल से। 10 साल से कर रहे हो, अच्छा, वेरी गुड। और इसमें कौन कौन से पौधे आप उगाते हो यहाँ? वो मधुबिंदु, अच्छा, विनायक, पपीहा। जो हमारे भाई है वो नटू भाई पपीहा इधर करते हैं अलग अलग वैरायटी के, जिसमें मधुबिंदु जो वैरायटी है, आइसबेरी भी वैरायटी है, जो पपीहा की वैरायटी है वो नटू भाई इधर ग्रो करते हैं, और सरगुआ भी सरगुआ इसमें लिम्बी पीकेएम वन वैरायटी का सरगुआ जो है, जो ड्रमस्टिक है, वो भी इधर वो ग्रो करते हैं और यहाँ पे पौधे बनाते हैं और पौधे यहाँ से बिकते हैं, फार्मर्स ही यहाँ पे आके डिमांड करते हैं, ऐसी उनकी क्वालिटी है। नटू भाई ने जो क्वालिटी मेंटेनेंस का काम किया है, इसीलिए आज उनको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। नटू भाई का कहना है कि बाहर कहीं पे भी उन्होंने बोर्ड भी नहीं लगाया है, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं और वो कोई भी जगह पे उनका मार्केटिंग करने की सोच भी नहीं है, क्योंकि वो पर्सनली बिलीव करते हैं कि हम अगर किसान को या बाहर जो क्वालिटी वाला माल सेल करेंगे तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा, और वो हमारी भी मदद लेते रहते हैं। तो मैं फ्रिक्वेंटली आता हूँ, उनको सलाह देता हूँ। नटू भाई, आप जहाँ पे देख रहे हो कि ऐसे जो बायो प्रोडक्ट्स है जो किस प्रकार हम यूज़ कर रहे हैं ये नर्सरी में, वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। मेहुल भाई फोन छे एकदम नहीं है, वो राख दियो, बे हाथ थी राख दियो, नहीं तो हलसे तो वीडियो में थोड़ो खेत है। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ नटू भाई की नर्सरी में, वो एग्रीलैंड बायोटेक का नजीक लाई है, एग्रीलैंड बायोटेक का बायोफील्ड है, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड पोटाश, उनका जो बैक्टीरिया है जिसमें अजोटोबैक्टर, फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया एंड पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, वो तीन बैक्टीरिया का जो इसमें मिश्रण है उसके लिए इसका नाम दिया है बायो NPK कंसोशियम, बायोफील्ड NPK, जिसका काम है जमीन के अंदर जो पड़ा हुआ नाइट्रोजन, फॉस्फरस और पोटाश, वो अलभ्य स्वरूप में, अनअवेलेबल फॉर्म में जमीन के अंदर जो रहता है वो लभ्य बनाता है, वो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसका मेजर रोल ये है, और ये है एग्रीलैंड का माइकोजोन। माइकोजोन इज अ टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर, दैट इज अ वैम माइकोराइजा। द रोल ऑफ वैम माइकोराइजा इज फाइबरस रूट सिस्टम डेवलपमेंट। इसका मेजर काम है जमीन के अंदर जो तंतुमूल होते हैं, फाइबरस रूट सिस्टम होती है, इसका डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर पाया मजबूत है कोई भी इमारत का तो इमारत इतनी ही मजबूत रहेगी। तो ये जो पौधे है उसका पाया अगर मजबूत होगा, इसका पहिया अगर मजबूत होगा, इसका रूट सिस्टम अगर मजबूत होगी तो ऊपर डेफिनेटली वो अच्छे से ग्रो होने वाला है। तो आज हम इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे ही उनके यहाँ पे नटू भाई के वहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें ये पानी है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 लीटर जितना पानी हमने इसमें भरा हुआ है, जिसमें मैं 15 से 20 ml सिर्फ, ये बिल्कुल हाई पोटेंशियल यूनिट है, जिसमें 15 से 20 ml में बायोफील्ड NPK, वो बैक्टीरिया जो कि 1 ml में करोड़ों की संख्या में अवेलेबल होते हैं वो मैंने ऐड किया, और ये माइकोजोन माइकोराइजल बायो फर्टिलाइजर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइबरस रूट सिस्टम डेवलपमेंट इन प्लांट,
तो ये अच्छे से ऐसे पैकिंग में आता है, जिसको भी मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 ग्राम जितना सिर्फ लेना चाहूँगा, जिसके अंदर मैं ऐड किया है मैंने। नटो भाई जरा मिक्स करो ऊपर से कसा सुबह अपने घर से वॉय नहीं तो तुम चालू रख जो वीडियो नो प्रॉब्लम। गिरा वो चल से चलो अब ये जो जारा है ये आप देख रहे हो, ये पपीहा के सीड्स है जो जर्मिनेट ही हुए हैं। आप देख सकते हो इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है। तो इसमें कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का यूज़ नहीं किया हुआ है ये। तो भी आप देख रहे हो कि नटू भाई की जो स्किल है, उनका जो एक्सपर्टाइज है इसके अंदर, उसके माध्यम से वो कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इसमें और भी क्वालिटी अच्छी होगी अगर मैं उसका यूज़ करूँगा, जिसमें बायो एन पी के, वैम माइकोराइजा, ये सबका यूज़ किया हुआ है। इसमें ये जारा की मदद से ये करोड़ों की मात्रा में जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जमीन के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो ये पूरा जो है उस पे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं ये, क्योंकि ये माइक्रोब्स जमीन के अंदर बहुत ही उम्दा काम करते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। दे आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, दे आर मेजर न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, और वो भी इसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आधे प्लॉट में हमने इसका एप्लीकेशन किया हुआ है और आधे में नहीं किया है, टू चेक द डिफरेंस बिटवीन टू प्लॉट्स और डिफरेंट बिटवीन टू प्लांट्स। तो ये एप्लीकेशन हमने की है, आप देख सकते हो कि ये प्लांट्स की हेल्थ कितनी बढ़िया है। मेरे भाई नीचे ऐसी जाओ जरा, आप प्लांट्स की हेल्थ देखिए, नीचे बताओ। आप देख रहे हो कितने अच्छे क्वालिटी के ये प्लांट है। विनायक, ये विनायक जो वैरायटी है वो है पपीहा की। आप देख सकते हो इसकी हेल्थ कितनी बढ़िया है, जिसमें हमने अभी अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्प्रे भी किया है इस तरफ वाले आधे प्लॉट में। आज है तारीख, डेट 25 फरवरी 2021। आज के दिन हमने ये एप्लीकेशन किया है। ये हमारे नटू भाई, उनका स्टाफ मेहुल भाई, और ये पूरी नर्सरी हम देख रहे हैं इधर। बहुत सारे पौधे यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि ये जो प्रोसेस है वो हार्डनिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। आप देख रहे हो कि ये ज़मीन पे इसके नीचे पौधे हैं जो कि नर्सरी बैग्स के अंदर ग्रो किए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नर्सरी बैग्स जो है उसके ऊपर ऐसी पॉलीथीन बैग रखी हुई है। इसको जब जर्मिनेशन आता है उस टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और विंटर सीजन में जनवरी या फरवरी की सीज़न के अंदर जो टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, जिसके माध्यम से कई बार सीड जर्मिनेशन में थोड़े डिफ़िकल्टीज आती है।
तो उसको अवॉइड करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऐसी फिल्म इसके ऊपर लगाई जाती है। वो नटू भाई का जो एक्सपर्टाइज है वो पूरी नर्सरी के अंदर उन्होंने इस तरह प्रोडक्शन किया हुआ है। नटू भाई, ये कितने प्लांट्स आप टोटल ग्रो कर रहे हैं इधर? दो लाख अस्सी हज़ार प्लांट नटू भाई इधर ग्रो करते हैं, इधर इनका प्रोडक्शन करते हैं। और आप सेल कैसे करते हो? किसान ही आके ले जाता है या फिर किसान ले जाता है? कहीं आपने कहीं पे मार्केटिंग या कुछ काम किया है? नहीं, जरूरत पड़ती? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपकी क्वालिटी ही इतनी बढ़िया है। अच्छा। एक किसान ले जाता है तो दूसरा किसान पार्टनर ले आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि नटू भाई की नर्सरी कैसी है, उनके वहाँ पे कैसा काम होता है। आप देख रहे हो ये पूरी हार्डनिंग की जो प्रोसेस हम बोलते हैं, कि जिसमें ये जैसे पूरे पौधे जो है इसके ऊपर एक प्रकार की ये फिल्म लगाई जाती है, दैट इज अ नॉर्मल फिल्म। इसका पर्पस यही है कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। ये आप देख रहे हो, ये नई जो बैग्स है ये उधर सीड को सोइंग करने के लिए यूज की गई है। इसमें सोइंग भी किया हुआ है, कई कई में जर्मिनेशन भी अभी शुरू हो गया है। आप देख रहे हो नटू भाई, हम इसके अंदर कुछ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ऐसा कुछ यूज करते हैं? नहीं करते? नहीं, नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं? अच्छा, आप देख रहे हो कि ये पूरी नर्सरी जिसके अंदर लाखों प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, ये देखिए नए पौधे जो नटू भाई, ये कितने दिन के पौधे हैं? वो 20 दिन हो गया। ये 20 डेज का सीड जर्मिनेशन है। टू लीफ स्टेज, मतलब कि दो लीफ इस पे अजी अभी आया हुआ है, वो आप देख सकते हो इधर। ये देखिए नटू भाई का ये पूरा प्रोडक्शन रेडी हो गया है, दैट इज रेडी टू सेल। ये पूरा ऐसे कैरेट भरते हैं और इसके अंदर ये पूरे मार्केट के अंदर सेल होता है। अगर किसान के पास छोटी जमीन है तो भी ये काम कर सकता है, किसान अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकता है। अब क्वालिटी देखिए, इसमें मैं वैभव पंचाल यहाँ पे नटू भाई को, जो कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, यहाँ पे उनको एडवाइस देता हूँ। ये पूरा उनका लेबर स्टाफ है। आप देख रहे हो कि उनके पौधे की हेल्थ कितनी अच्छी है। नटू भाई, मेहुल भाई, ये पौधे जो है वो रेडी टू सेल है? अभी रेडी हो गए हैं? रेडी हो गए। अच्छा, कल आएगी गाड़ी बनने के लिए। कितने पौधे हैं? 12-15 हज़ार पौधे हैं। ये कितने कितने दाम में आप सेल करते हो? ये महाराष्ट्र में जाएगा, लेकिन इसके पैसे कितने, एक एक पौधे के कितने पैसे होते हैं? ये 13 रुपये का एक पौधा होता है, जिसको आप देख रहे हो। 13 से लेके 13 रुपये तक इसका दाम मिलता है। और ऑलवेज डिमांडेड है ये पपीहा। उसके बाद आप देखोगे कि इसमें इरिगेशन मैनेजमेंट भी कैसे होता है, वो भी हम कुछ देखना चाहेंगे। ये देखो पूरा नर्सरी के अंदर बढ़िया सा ग्रोथ, और इस प्रकार जैसे कि रेनफॉल होता है ऐसा पूरा
छंटकाव होता है पानी का, जिससे मॉइस्चर मेंटेन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, पानी की नहीं होती। तो इसको सिर्फ ऐसे स्प्रिंकलर ही करना ज़रूरी होता है, जैसे आप देख रहे हो अभी। ये कागदी नींबू जो आते हैं, लेमन कागदी नींबू, ये है सीड से इसका ग्रोइंग किया हुआ है। ये है PKM1 मोरिंगा सरगुआ जो कहते हैं, ड्रमस्टिक PKM1 वैरायटी, इनके जो पौधे हैं ग्रो किए हुए, वो आप देख रहे हो। ये पूरी नर्सरी बहुत अच्छा कमा के देती है, बहुत अच्छा नटू भाई का मैनेजमेंट है, उनके पास अच्छा लेबर स्टाफ जो है वो अभी स्किल्ड लेबर हो चुके हैं यहाँ पे रह के। नटू भाई कुल कितने एरिया में अपनी खेती है? वो गांव अपने आनंद जिलो खरो ने, आनंद जिला में 10-15 गुंबद है, 15 गांव में जाता है, लेकिन अपनी खेती जो है वो कितनी जगह, मतलब कितने एकड़ में अपनी ये खेती है, ये नर्सरी की? नर्सरी 24 गुंठे के अंदर। ओके, सिर्फ एक वीघा के अंदर, एक वीघा के अंदर 24 गुंठा ऑफ लैंड, एक एकड़ से भी कम जगह पे खेती है। और इसमें हर साल कितना पौधे का सेलिंग होता है एवरेज? वो 10 लाख नहीं, आठ लाख पौधों का सेलिंग होता है। आप देख रहे हो कि ये बहुत ही अच्छा दृष्टांत है। अगर किसी को भी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई पौधे चाहिए, तो ये हेल्दी पौधे यहाँ से आपको मिल सकते हैं। मैं वैभव पंचाल, MSc एग्री, जैविक एग्रो सर्विसेज, आनंद। नमस्कार।